Hello, my dear lovely students. I am your English teacher, Zinata Fre. Today, I am going to teach you a poem, Trees are the Kindest Things I Know. From your English book, Standard 8. Listen to the poem and try to understand its meaning. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween and in the spring, new buds of grain. They are the first when days begin. To touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Of sleepy children long ago, trees are the kindest things I know. इस पोयम में ट्रीज़ आर द कांडस्ट थिंग्स आई नो पोइट ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो ट्रीज है वो सबसे ज्यादा रहमदिल होते हैं सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट ट्रीज आर द काइंड थिंग्स आई नो दे डू नॉट हार्म दे सिंपली ग्रो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ट्रीज होती है वो सबसे ज्यादा रहमदिल होती है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती है दे सिंपली ग्रो वो सिर्फ सिंपली ग्रो होती है उगती है मतलब डेवलप होती है एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लिपी काउस एंड गैदर बर्ड्स अमंग देर बाउस स्प्रेड मतलब फैलाती है शेड मतलब साया स्लिपी काउस मतलब सोते हुए जानवरों के लिए या गाय वगैरह के लिए अपना साया वो फैलाती है मतलब दरख्त अपना साया फैलाते हैं ताकि उसके नीचे जो है जानवर सो सके एंड गदर बर्ड्स अमंग दियर बाउस बाउस मतलब ब्रांचेज उसकी जो शाखी होती है वहाँ पर आकर परिंदे जमा होते हैं दे गिव us फ्रूट इन leaves अबव एंड वुड टू मेक आर हाउसेज ऑफ आगे पोइट ये बोल रहे हैं कि जो ट्रीज हैं हमें उससे फ्रूट मिलता है एंड वुड टू मेक और लकड़ियाँ मिलती है जिसे हम हमारे हाउस को बना सकें हमारे घरों को बना सके एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोवेन एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोवेन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन यहाँ पे पोइट ये बोल रहे हैं कि हेलोवेन मीन्स ऑटम ऑटम के सीजन में जब पतझड़ का जब मौसम आता है तो दरख्त के सारे पत्ते झड़कर कर नीचे गिर जाते हैं एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन फिर से बाहरों के मौसम में स्प्रिंग मतलब बाहरों का जब मौसम आता है फिर से उस पर नई नई कलियाँ खिलकर आती हैं दे आर द फर्स्ट वन डेज बिगेन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन यहाँ पर पोइट ये बोल रहे हैं कि यही वो दरख्त है जिससे दिन की शुरुआत होती है क्योंकि जो सूरज है सूरज की सबसे पहली जो किरणें होती है बीम्स मतलब के रेस सूरज की जो शॉय होती है वो सबसे पहले दरख्त को टच करती है छूती है दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट वन इवनिंग चेंजेस इन टू नाइट यहाँ पर पोइट ये बोल रहे हैं कि जब इवनिंग शाम जब रात में चेंज होती है शाम के बाद जब रात आती है तब ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त तक सूरज की रोशनी दरख्त पर ही होती है एंड वेन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम ए ड्रॉसी ललबाए यहाँ पर जब मून मीन्स चांद, फ्लोट्स मतलब कि स्लोली मूव होता है आसमान पर जब चांद स्लोली स्लोली आसमान पर मूव होता है तो ऐसा लगता है कि जो चांद है हम मीन्स एक लोरी की एक रिदिम है ड्रॉसी ललबाए एक सॉन्ग है जो ड्रॉसी मीन्स सोते हुए बच्चों को लोरी सुना रहा है ऐसा फील होता है कि जो चाँद है वो आसमान पर चल रहा है और सोते हुए बच्चों को वो लोरी सुना रहा है और स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग ए गो ट्रीज आर द काइंड थिंग्स आई नो जब मैं छोटा सा बच्चा था तब ट्रीज आर द काइंड थिंग्स आई नो मुझे